जाना है, उसके बाद इंटरफेस लैंग्वेज को रशियन पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद गेम को क्लोज करके रीओपन करना है। इसके बाद आप पाएंगे कि गेम की सेटिंग्स में एक नया बटन आ गया है प्रोमो कोड सेक्शन के नीचे। इसमें आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से इंटरफेस लैंग्वेज को इंग्लिश में सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैटल स्टार्ट होते ही आपको इंटरफेस इंग्लिश में ही मिलेगा और 30 मिनट में बैटल होता है। बस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए टेस्टिंग मोड विंग्स ऑफ डिफेंस। इस मोड में स्टार्टिंग में 12 वर्टेक्स मिलते हैं, रेजिस्टेंस के 12 हुक मिलते हैं और इसमें 2 झंडे हैं, पहले से कैप्चर हुए हैं, एक एक झंडे दोनों को मिलते हैं और दूसरे झंडे कैप्चर करना पड़ता है। झंडे ट्रांसपोर्ट देते हैं और इन ट्रांसपोर्ट को इनके पॉइंट तक बेस के ऊपर ले जाना पड़ता है जहाँ पे ये रिसोर्स देते हैं। बिल्डिंग्स को अपग्रेड नहीं कर सकते लेकिन प्रोडक्शन कर सकते हैं, नए बिल्डिंग्स को बना सकते हैं इसके मोड में। और एडिशनल आर्मर भी बिल्डिंग्स को दिया हुआ है इसलिए वो डिस्ट्रॉय आसानी से नहीं होती, लेकिन जीतने के लिए 15 ट्रांसपोर्ट पहुँचाने पड़ते हैं। मेरे को ये मोड काफ़ी पसंद आया क्योंकि मोड में पहले से ही रेस होने बनाए मिलते हैं और स्टार्टिंग में ही आप एनिमी के बेस को डिस्ट्रॉय करके जीत सकते हैं और फ्लैग से ट्रांसपोर्ट 15 कंप्लीट करके जीत सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट चली हमारी इस बैटल में होप और वर्टेक्स के बीच में, लेकिन आप जानते हैं कौन जीतने वाले, वर्टेक्स ऑफ कोर्स। वर्टेक्स जो है अभी भी लास्ट अपडेट के बाद भी काफ़ी काम का है, आपके पास इसे मैक्स करके रखना होता है जिससे कि आप ऐसे गेम्स के मोड में जो आने वाले हैं सितंबर में उन्हें काफ़ी अच्छे से खेल पाएँ। आप भी खेल सकते हैं इस मोड को लेकिन टेस्टिंग थोड़ी देर के लिए है और शायद 29 तारीख को 3v3 भी टेस्टिंग मोड में अवेलेबल हो जाएगी। मोड्स के शेड्यूल्स के बारे में जानकारी के लिए आप डिस्कॉर्ड को चेक कर सकते हैं, इनके फेसबुक ग्रुप जो है हमारा उसमें भी चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी इतना वीक नहीं था इस बैटल के अंदर, 19 और 20 नहीं, तो उसके पास मतलब पहले से कम अपग्रेड तो लग रहे हैं मेरे को लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग अंदर क्योंकि पहले भी हमने बैटल खेल लिया टूर्नामेंट्स में। तो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये बैटल कैसा लगा, तो इस मोड के बारे में भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कैसा लगा आपको। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।